तो हम देख रहे हैं यूरिन को कैसे हम प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले यूरिन का सैंपल जब आपके लैब में आता है तो आपको उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करना पड़ता है, और फिजिकल एग्जामिनेशन में आप क्या देखोगे, यूरिन की कलर देखोगे, यूरिन किस कलर का है और अपीयरेंस कैसा है उसका, यानी कि वो दिखने में क्लियर दिख रहा है कि टर्बिड दिख रहा है या हेजी कलर दिख रहा है, मतलब। और उसके बाद से उसका कलर कैसा है, येलो है, पेल येलो है, रेडिश है, ब्लैकिश है, ये सारी चीज़ें। और टेस्ट को करने के लिए हमारे पास होता है ये 10 पैरामीटर का स्ट्रिप्स होते हैं, जो कि अलग अलग कंपनी का होता है, चूँकि मेरे पास सीमेंस कंपनी का है। और यहाँ पर देख सकते हो ये 10 पैरामीटर दिया होता है, और साथ साथ ये भी दिया होता है कि कितने सेकेंड में इसका रिजल्ट आएगा, आपको ऑब्जर्व करना है, और ये कलर से हमको मैचिंग करना होता है। तो चलिए हम इसको चालू करते हैं और देखते हैं हमको कैसे टेस्ट करना है। तो आप यूरिन को ले लेना, यूरिन को लेने के बाद से कभी भी यूरिन अगर आप टेस्ट करना तो उसको हमको थोड़ा मिक्स कर लेना था यूरिन को, क्योंकि जो भी अगर नीचे अगर कुछ पार्टिकल अगर नीचे चला गया है तो फिर वो मतलब मिक्स हो जाएगा तो ऊपर आएगा। अब इस स्टेप को हम यूरिन में पूरा डुबो देंगे, जैसे देख सकते हैं इसको डुबो देंगे, और डुबोने के बाद से अब इसको हम यहाँ पे रख देंगे, क्योंकि कम से कम जो पहला रिजल्ट है हमारा 1 मिनट यानी 60 सेकेंड में के बाद से हमको रेडी करना है। और लेने के बाद से इस स्टेप को हम क्या करेंगे, जो ये हमारे पास किट का जो बॉक्स है उस बॉक्स से कलर को हम मैच कराएंगे कि किसका कलर कितना तक जा रहा है या कुछ चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सेम उसी तरह से आपको मैच कराना है। अगर 1 मिनट के अंदर अगर कलर चेंजेस नहीं हुआ तो मतलब कि वो नॉर्मल है। तो जो नॉर्मल का जो रेंज होता है वो रेंज हम नोट कर देते हैं। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं आप सबका दिया हुआ है कि आपको 1 मिनट के अंदर यहाँ पर रिजल्ट लेना है। जैसे यहाँ पे 1, 2, 3, 4 ऐसे काउंट करके फिर नीचे से भी देख सकते हैं कि कितने नंबर पे कौन सा टेस्ट का पैरामीटर हमको लेना है। जैसे दिया है पे ल्यूकोसाइड, नाइट्राइट, यूरोबिलिनोजेन ब्लड, ये सारी चीज़ें दिया हुआ है, तो उस उतने नंबर पे उस टेस्ट का रिजल्ट हमको मिलता है। बहुत ही आसान होता है, क्योंकि ये जो यूरिन आप देख रहे हो ये पूरी तरह से ये निगेटिव है, यानी कि नॉर्मल यूरिन है ये। तो मैं नॉर्मल से बता रहा हूँ आपको, आपको मैनुअली जब अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो मैनुअली कैसे प्रोसेस करना है, उसका रिजल्ट कैसे इंटरप्रेट करना है, ये उसके लिए बता रहा हूँ। तो कुछ का 1 मिनट में है, कुछ का 2 मिनट का, नहीं 60 सेकेंड, और कुछ का 120 सेकेंड, और कुछ का 60 सेकेंड में हमको रिजल्ट लेना है। तो वीडियो आपको समझ में आया हो तो वीडियो जरूर कमेंट करके बताना, और इस वीडियो के अंदर जरूर बताना कि इस यूरिन का कलर क्या है, इसके अपीयरेंस हमको क्या देना चाहिए, और रिपोर्ट में हमको क्या जाना चाहिए, नॉर्मल है कि अबनॉर्मल है, जरूर बताना। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।